प्रकृति हमेशा से ही कुछ ऐसे कारनामे करते आ रही है जो लोगों को अचरज में डाल देती है। क्या हो अगर आप सुबह उठकर घूमने निकलें और अचानक से रास्ते में ढेर सारे पक्षी मरे हुए नजर आए तो आप क्या समझेंगे? शायद यही कि किसी प्राकृतिक आपदा ने इन्हें अपना शिकार बना लिया है, या फिर कोई प्राकृतिक परिवर्तन हो सकता है, या फिर अधिकतम सोचेंगे कि शायद हवा में जहरीली गैस है जिस कारण से ऐसा हुआ होगा। इसके बाद अगर यही घटना हर साल किसी खास महीने में होने लगे तो आप क्या सोचेंगे? जाहिर है कि एक प्राकृतिक रहस्य मानकर इसे जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही एक रहस्य आसाम के एक बेहद ही सुंदर और छोटे गांव जतिंगा का है। यहां साल में एक बार एक साथ कई पक्षी आत्महत्या करने आते हैं। जी हां, आपने सही सुना, यहां पक्षी आत्महत्या करते हैं। जतिंगा आसाम के उत्तरी कछार पहाड़ी में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत गाँव है। यह क्षेत्र विशेषकर अपने नारंगी के बागों के लिए प्रसिद्ध है और लोग दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं। साथ ही यहाँ पक्षियों के समूह में आत्महत्या करने के हादसे ने भी लोगों का ध्यान खींचा है। विशेषकर मानसून के दौरान कोहरे वाले महीनों में यहाँ पक्षियों की आत्महत्या की घटनाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन कभी कभी अमावस में भी कोहरे के दौरान पक्षियों के आत्महत्या की घटनाएं देखी जाती हैं। ये घटना शाम को लगभग 7 बजे से लेकर रात 10 बजे के बीच में होती है। यहाँ पर सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि कोई अकेला पक्षी आत्महत्या नहीं करता, बल्कि सामूहिक रूप से सभी आत्महत्या कर लेते हैं। वही इस आत्महत्या में कोई एक प्रजाति का पक्षी शामिल नहीं होता है, बल्कि यहाँ उपलब्ध लगभग सभी प्रकार के प्रवासी पक्षियों द्वारा ऐसा किया जाता है, जैसे कि किंगफिशर, टाइगर बाइटन और लिटिल एग्रिड जैसे पक्षी इस रहस्यमय मौत का शिकार होते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्यों एक साथ इतनी संख्या में पक्षी आत्महत्या करते हैं। तो जतिंगा के पक्षियों की आत्महत्या को लेकर अब तक कई खोजें हुई हैं और इसके पीछे कई तर्क भी दिए गए हैं, परंतु सच कहा जाए तो अब तक ऐसा कोई भी तर्क नहीं आया है जिसे सुनकर आप पूरी तरह से सहमत हो जाएं। कुल मिलाकर कहा जाए तो अब तक इस रहस्य का खुलासा नहीं हुआ है। कई पक्षी वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दुर्लभ घटना की वजह चुंबकीय शक्ति है। जब नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं तेजी से बहने लगती हैं तो रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। यह ऐसा समय होता है कि जब वह में होते हैं और तेजी से उड़ने के दौरान वे आसपास पेड़ और दीवार में टकराकर मर जाते हैं। हालांकि स्थानीय निवासी इसे भूत प्रेत की बाधा से जोड़कर देखते हैं। खैर, रहस्य जो कुछ भी हो, अगर रहस्य से पर्दा उठ जाए तो वो रहस्य कैसा और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।